तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने Realme 9 मोबाइल में आप वीडियो एडिट कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर ही। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आपका स्वागत है मैं निकुल ऑफिशियल चैनल में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों आपको अपने Realme 9 मोबाइल में वीडियो को एडिट करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी गैलरी यानी एल्बम में आ जाना है। एल्बम में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कोई से भी अपने वीडियो जो है सेलेक्ट कर लेना है, ले लेना है, एड कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखिए, अब आपको सिंपली कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, नीचे आपको एक एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सिंपली अपने एडिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर एक ऑप्शन दिखाई देता है जो कि आपका वीडियो प्लेइंग है। आप डायरेक्ट यहाँ से वीडियो प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब दोस्तों उसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है कट का, जहाँ से आप अपनी वीडियो को कट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी वीडियो का जो एक पोर्शन है कट करता हूँ, ओनली 7 सेकंड की जो वीडियो मैं यहाँ पर एडिट करूंगा। तो यहाँ पर देखिए कट हो चुकी है वीडियो, 7 सेकंड की बची है। अब यहाँ पर आप रेशियोस देखिए, आपको सिंपली यहाँ पर क्रॉप कर सकते हैं अपनी वीडियो को। आप मैन्युअली इसमें क्रॉप नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट जो रेशियो के हिसाब से यहाँ पर क्रॉप कर सकते हैं। आप कितने रेशियो में आपकी वीडियो रखना चाहते हैं, मैन्युअली क्रॉप नहीं होगी। अब यहाँ से देखिए आपको सिंपली राइट पर क्लिक कर देना। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको थीम का एक ऑप्शन दिखाई देता है जिसमें आप थीम जो है इसमें काफ़ी सारी थीम लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर जो मैंने वीडियो प्ले की तो माय ब्लॉग लिखा हुआ यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों कई सारे जो थीम है यहाँ पर आपको मिल जाते हैं जो कि आपको काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया रहता है। और दोस्तों कई सारे मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं मिलता जो कि इसमें दिया है, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और आप डायरेक्ट आपको कोई ऐप यूज ना करके आप डायरेक्ट वीडियो यहीं से जो है एडजस्ट कर सकते हैं, वीडियो प्ले कर सकते हैं, वीडियो एडिट कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया है। और उसके बाद आपको फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, तो फिल्टर में भी आपको कई सारे अच्छे अच्छे फिल्टर्स दिए हैं जो कि आप डायरेक्ट यहाँ से यूज कर सकते हैं, आपको किसी ऐप की जरूरत नहीं है। और दोस्तों अगर आप Realme 9 मोबाइल यूज करेंगे तो आपको किसी ऐप की जो जरूरत पड़नी नहीं है यहाँ पर। दोस्तों आप देख सकते हैं आपको कई सारे फिल्टर अच्छे अच्छे यहाँ पर मिल जाते हैं। अब दोस्तों हम जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, तो नेक्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको साउंड ट्रैक मिल जाते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको साउंड ट्रैक भी यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें आप कई सारे साउंड जो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आप और किसी चीज़ में यहाँ पर साउंड यूज नहीं कर सकते, और किसी ऐप में साउंड यूज नहीं कर सकते। जैसे काइन मास्टर में आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वैसे ही आप सिंपली इसमें कर सकते हैं। और दोस्तों आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं अपना साउंड तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। अब दोस्तों मैं बैक जाता हूँ और बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको यहाँ पर मिल जाता है इफेक्ट्स का, जिसमें आपके जो इफेक्ट्स हैं एडिट कर सकते हैं, एड इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप जो है ब्लिंक कर सकते हैं। और दोस्तों आपके कई सारे इफेक्ट रहते हैं वो आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये ब्लिंक हो रहा है, तो कुछ इस तरीके से आप कई सारे इफेक्ट जो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और कुछ इस तरीके से आप वीडियो एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप जो है यहाँ पर जो है दूसरा इफेक्ट आप लगाना चाहते हैं और कहाँ पर इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो आप वहाँ लगा सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे कि शुरू में लगा सकते हैं, लास्ट में लगा सकते हैं, बीच में लगा सकते हैं, जहाँ भी आपको इफेक्ट लगाना है तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका स्पीड का मिलता है। स्पीड में आप आपकी जो स्पीड है आप स्लो कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो उसमें भी आप टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, टेक्स्ट में आप जो है यहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जो भी यहाँ पर लिखना है आप लिख सकते हैं बाकी, और राइट पर कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है वाटर मार्क का। वाटर मार्क में आप जो Realme 9 मोबाइल का वाटर मार्क और डेट टाइम सब आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर जो अगर आप लगाना चाहते हैं इसे वाटर मार्क को तो लगा सकते हैं, और रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद आपको काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिलता है एडवांस का। एडवांस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है आपको एक एप्लीकेशन के अंदर ले जाएगा जिसमें आप आपकी वीडियो जो एडिट कर सकते हैं, और कई सारे एडवांस ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर दिए रहते हैं जो कि आपको कई सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ आप जो अपने वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कोई भी वो ऐप नहीं दिखेगा, लेकिन दोस्तों आप सेटिंग में जाएंगे, आप एडवांस में जाएंगे तो आपको ये जो है कई सारे एडवांस ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं एडिट के, जिससे आप वीडियो एडिट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों चैनल पर नए को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं इसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।